मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा टॉपिक चला था सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोगों ने सभ्यता के बारे में, इसकी खुदाई के बारे में, इसके उत्खननकर्ताओं के बारे में, खुदाई में मिली सामग्री और खुदाई में जो जो स्थल मिले हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, उस सब के बारे में चर्चा की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो शहरों को ये लोग अपने नगरों को या शहरों को किस तरह से व्यवस्थित करते थे, किस तरह से नियोजित करके रखते थे, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। देखो, खुदाई में जितने भी नगर मिले हैं और जितने भी स्थल मिले हैं, अगर उन स्थलों को हम नियोजन की दृष्टि से देखते हैं, व्यवस्था के रूप से देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा को छोड़कर प्रत्येक नगर दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थान था जो तीन भागों में बटा हुआ था, बाकी के नगर क्या है, दो भागों में बटे हुए थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। देखो, जैसे ये नगर है दो भागों में विभाजित कर रखा है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। देखो, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग क्या थे। देखो, जो पूर्वी भाग था ये नीचा समतल मैदान होता था और यहाँ पर सामान्य आम लोग रहते थे, ठीक है। और ये जो पश्चिमी भाग होता था ये ऊंचे टीले पर बना होता था और यहाँ पर विशिष्ट खास लोगों का रहना यहाँ पर था, ठीक है। तो जो पूर्वी भाग था यहाँ पर ये समतल मैदान था, नीचे क्षेत्र में बना हुआ था, सामान्य लोग रहते थे। जो पश्चिमी भाग था ये ऊंचे टीले पर बना हुआ था, यहाँ पर विशिष्ट इम्पोर्टेंट लोगों का रहना था, ठीक है। और अब बात आती है, पहले तो नगर के बारे में बात की, नगर दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, और इसी के अंदर उनके घर होते थे। अब बात आती है नगर में सड़कों, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी तो सड़कें बनी हुई थी, अच्छी सुव्यवस्थित सड़कें थी। सड़कें क्या थी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। इस तरह से सड़कें क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, और प्रत्येक जो सड़क है वो दूसरी सड़क को, प्रत्येक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हुए सम कोण 90 डिग्री का कोण बनाती थी, ठीक है। और क्या है, सारी पूरे नगर में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ था, पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर सड़कें जा रही थी, एक जाल बना हुआ था सड़कों का, जिसको हम शतरंज पद्धति भी कहते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ऑक्सफोर्ड सर्किल भी कह सकते हैं, शतरंज पद्धति भी इसे कह सकते हैं, जाल पद्धति के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। सड़कें क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, और प्रत्येक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हुए समकोण बनाती थी, और जिसे ऑक्सफोर्ड सर्किल या शतरंज पद्धति या जाल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आपको तुमने देखा होगा ना, शतरंज की पट्टियां इसी तरह की होती है, 64 पट्टियां होती है, देखी होगी शतरंज, ठीक है। तो इसे समकोण पर कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्किल भी इसको ही कहते हैं। तो अब बात आती है, देखो सिंधु सभ्यता के नगरों में जो घर बने हुए थे उनकी एक खासियत ये थी कि सिंधु सभ्यता के जितने भी घर थे सब घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। एक लोथल में ही एक ऐसा घर मिला है, गुजरात से जो स्थल मिला है लोथल, वहीं से एक ऐसा स्थल मिला है जिसमें एक घर का दरवाजा गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलता है, ठीक है। तो बात आती है नाली की। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई के प्रति बड़े जागरूक थे, स्वच्छता के बड़े जागरूक थे, इसीलिए वहां से हमें क्या मिली है, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां मिली है। ये नालियां क्या है, पक्की ईंटों की, चूने जिप्सम की ये नालियां बनी हुई है। तो देखो, हर घर में क्या है,
मोरियों के द्वारा गंदे पानी की निकासी होती थी। घर हर घर में क्या बनी है, हम ये कह सकते हैं छोटी छोटी नालियां बनी हुई हैं। घर की नाली गली की नाली में आकर गिरती है, और गली की जो नाली है वो मुख्य सड़क की नाली में जाकर गिरती है, और जो मुख्य सड़क की नाली है वो दूर बने गड्ढों में जाकर गिर जाती थी। और इसका उत्खनन हुआ तो कई गड्ढों के बाद हमें कचरा पड़ा हुआ मिला है, जिससे अनुमान है कि इन गड्ढों की समय समय पर सफाई की जाती होगी। ठीक है, और चूने का भी प्रयोग किया जाता था, जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था इन नालियों के निर्माण में। कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें कच्ची ईंटों और पक्की दोनों ईंटों की नालियां बनी हुई मिली हैं, इसीलिए कालीबंगा को दीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्येक घर में क्या है, नाली, घर की नाली गली की नाली में, और गली की नाली सड़क की नाली में, सड़क की नाली दूर बने गड्ढों में जाकर गिर जाती थी। समय समय पर इन नालियों की सफाई का प्रबंध किया जाता था। अब देखो, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो जितनी भी हमें इमारतें मिली हैं, चाहे भवन मिले हैं, चाहे नालियां मिली हैं, ठीक है, उनमें जो ईंटें मिली हैं उन वो सारी ईंटें एक ही आकार के अनुपात में हैं, जिसका अनुपात 4:2:1 है। लंबाई क्या है, देखो लंबाई है ये चौड़ाई है और ये मोटाई है। मोटाई क्या है, चौड़ाई की आधी है, और चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी है। लंबाई क्या है 4, और चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी है, और मोटाई क्या है, चौड़ाई की आधी है। ईंटे तो देखते होंगे ना आपने, जैसे ये लंबाई ज्यादा हो गई फिर ये चौड़ाई कम होगी, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो 4:2:1 का अनुपात रहता था, तो ये इनका ईंटों का आकार था। और ये स्नानाघर आदि के लिए एल आकार या जल रोधी ईंटों का भी प्रयोग करते थे। और जो सबसे बड़ी ईंट मिली है वो 50x25x6.25 इस आकार की सबसे बड़ी मिली है। और स्नानाघर के लिए जल रोधी ईंटों का एल आकार की ईंटों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनके थोड़े नगर नियोजन के बारे में जानकारी ली। कल हम इनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि उत्खनन से इनकी जो लिपि मिली है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, अतः जितनी भी सिंधु सभ्यता से संबंधित जानकारी है वो क्या है, अवशेषों पर आधारित है, या उत्खनन से जो भी हमें मिला है उस पर डिपेंड है। ठीक है, नगर दो भागों में बटे हुए थे, पूर्व भाग, पश्चिम भाग। पश्चिम भाग पूजे के लिए बना होता था, विशिष्ट लोगों के रहने का स्थान था, और जो पूर्वी भाग था ये नीचे समतल मैदान था और सामान्य लोग यहाँ रहते थे। और नगरों में क्या है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ था, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, ऑक्सफोर्ड सर्किल जाल पद्धति बनाती थी, और नालियां क्या है, पक्की ईंटों की बनी होती थी, चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था, और जो ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी वो समान आकार की मिली है, 4:2:1 की ये ईंटें हैं। जो सबसे बड़ी ईंट मिली है उसका 50x25x6.25 सेंटीमीटर की सबसे लंबी ईंट भी मिली है। इसके बाद बात आती है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो, जो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसे सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है, भारतीय पुरातत्व जो अध्यक्ष रहे थे सर जॉन मार्शल, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कहा है। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है, और इस स्नानागार का जो जलाशय है वो दुर्ग के भीतरी है, और उस जलाशय में जाने के लिए सबसे क्या मिला है, इम्पोर्टेंट स्नानागार। उत्तर से दक्षिण की ओर अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं,
और इस नागालैंड स्टाइल की बात क्या है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो पुरातात्विकों का ये अनुमान है इस नानागर का जो प्रयोग है किसी धार्मिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर लोग आते थे, विशेष अवसरों पर स्नान आदि करते थे और ये जो साथ में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं यहाँ पर जाकर अपने वस्त्र बदलते थे। तो ये स्नानागार मोहनजोदड़ो का ये जो विशाल स्नानागार है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अजूबा है और जिसने मोहनजोदड़ो को प्रसिद्ध बना दिया है। तो कल हम इनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।